बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे वालों सारे मेरे भैनों ते भरावां नूं अल्लाह पाक हमेशा तुहानूं खुश रखे आबाद रखे जिहड़े दुख तकलीफां अल्लाह पाक तुहाडे दूर करे तुहाडी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां भरदे आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने तों पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर तुसीं साडा चैनल देसी विलेज व्लॉग सबसक्राइब नहीं किया तो उन्हें सबसक्राइब कर लो जिहड़ा बैल का बटन प्रेस कर लो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो बर वक्त तुहानूं मिल सके। अच्छा जी सुबह सुबह दा टाइम आ टाइम नाल उठी आ ओके जल्दी सब बना जाना वा भाजी मनोवर लैके मैं मैं नाश्ता बना लवा आटा पेस्ट कट के बाहर रखा वा और शामी इन्होंने जिस मुर्गे का शोरबा चावलों पा के खाधा से कुछ चावल बच गए थे मैं कढ़ाई च पा दिए कावान कां खा लैन और रात बारिश हुई है लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा थके से मेहमान भी आए थे और कढ़ाई में पानी है काफ़ी ज़्यादा बारिश पी है मैं कैमरा पैक करके बारिश नेरी भी आई है नेरी भी आई है और बारिश भी आई है अल्लाह खैर करे। चारपाइयां बाहर रह गई सी बर्तन मैं नवें धो के रखे से चारपाई के उपर तो वह भी जेड़ा अपना गिले होके आ खेतों से अगे पानी लगा सीगा तो बाजरा भाजी का थोड़ा लंबा पै गया वा क्योंकि बड़ा सी सिट्टा भी माशाल्लाह उपर मोटा वा तो रबड़ा तो है देखो ना थोड़ा थोड़ा गिर गया वा देखो कवे आ गए पता लग गया कवियां नूं कि चावल पाते कढ़ाई च लालियां भी आ गई वा सुलह सफाई के नाल हुण खा लैणगे किन्ने आ गए देखो सारे इस टाइम तारां ते बैठे हुंदे मैं कोई ना कोई चीज़ रोटी चूर के या कोई ना कोई चीज़ फिर कढ़ाई दे विच पा जांदी हुंदी आं फिर खा लैंदे आ। बदल हले भी है और पहले मैं लैके आना दूध आटा थोड़ा होर सैट हो जाए दरवाज़ा खुला ही रवे और चार पाइयां साड़ियां गिल्लियां हुई पाइया वाला खैर करे यह बर्तन धो के मैं राती रखे से खुश्क हो जाए तो फिर अंदर शोकेस अलमारी की जड़ी पट्टियां वा मैं क्या खराब ना हो जाए तो यह बर्तन धो के मैं इतने रखे से लेकिन दोबारा धोने पैने हैं देखो हल्की हल्की पहला नेरी का बुला आया वा इतना पानी भी खड़ा वा और दोबारा धो लूँगी कोई नहीं यह चार पाइयां गिलियां हो गई वा उन्होंने कहनी तुम अंदर बैठो मैं नाश्ता अंदर बना के लियानी हूँ पहले मैं दुध लिया वा आया मेज़ में धोना सीगा तो लाइट चली गई फिर मेरे को नहीं धुपिया तो हूँ मैं अज धोऊंगी अल्लाह खैर करे दरवाज़ा खोल के और लैके बर्तन लैके दुध लैके आगे डोल लैके आऊंगी डोल फ्रिज के आ जाता वा मैं दुध लैन जा रही हाँ हाँ जी मैं आनी हूँ बस दुध लिया के ना फिर मैं ये नहीं होता कि भाजी उन्होंने मेरा पे जाना वा तो जहाँ उधर लेते हैं फिर इधरला बाग सारा टुट गया वा दो तीन रक्षे भर के गए हैं बस अम्मी के लालियां भी नहाँ थोड़ा पानी भी बारिश तक खड़ा वा चलो यह जरा रास्ता वा ना ए वाला ये जम गया वा इन्नी कि बारिश पैनी ना ये जम गया नहीं तो यह सारा इधर जाना सीगा पानी मतलब कर करके मोटरसाइकिल भी इतने खुबदा वा रक्षा भी इतों रक्षा आसानी ना लंघ सकता वा ए देखो बारिश ना नेरी ना सारे मकैनिक के जरा ना पत्ते गिरे आ जो सुके से अज भाभी ने इतने नहीं किया क्योंकि चुल्हे गिले हुए थे मैं दुध लैके जा रही हाँ और भाभी बच्चों और भाई नाश्ता करवा रही है और कुके फिर भाई टाइम ना बच्चे स्कूल छड्या होगा ना तो फिर भाजी असलम जरा ना दोपहर स्कूल जाऊगा कुके चौधरी साहब और भाजी ने जाना वा मुल्तान अख चेक करवा तो भाई कहना टाइम ना चलो कर लिए दो बजे मैं लगता उत्थे अपना वा। अच्छा जी नाश्ता कर लिया वा अज पीढ़ियों के उपर बह के नाश्ता किया वा क्योंकि चारपाइया गिलियां सगिया इस करके मैं हूँ इन्हें ना एक बार फिर पैप मार दिनी हूँ जी कोई डस्ट वगैरह हुई जरा ना निकल जाएगी उस अंदर भी झाड़ू फेर लिया वा इस अंदर भी झाड़ू फेर लिया वा टेबल भी धोना वा तो बर्तन धो के मैं रख लिया इन्हों बर्तनों फिर एक बार पानी से कढ़ दी क्योंकि पहले नहेरी आई है फिर बारिश आई है बेशक धुप गए लेकिन बदल हले भी है लेकिन अगर नेरी वगैरह आई भी तो जरा ना बारिश पै गई हुई है मिट्टी जम गई हुई है घट्टा बिल्कुल नहीं उड़ना दे मैं जरा ना चार पाइया तो भी एक बार पैप मार देव पानी मार देव और बर्तन भी धो लव अंदर झाड़ू फेर के फर्श कल का नहीं धुपया वह भी धो लव
ਤੇ ਫਰਸ਼ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣੇ ਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਰਸ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਿੱਲਾ ਵਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਮੋਟਰ। ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਬਿਆਸੀਆ ਨਾਲ, ਮੋਈਜ਼ ਹੀਬਾ ਬਾਈ ਫਿਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਲਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧੋਈਏ ਨਾ ਪੈਪ, ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਪ 'ਤੇ ਬੜੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੀਰ ਫੇਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਫੁਹਾਰਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਲੈਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ 11 ਕੁ ਵਜੇ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਧੁੱਪ ਜਾਣੇ, ਕੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਰਸ਼ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆ ਵਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਧੋ ਲਿਆ, ਟੇਬਲ ਵੀ, ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਵੀ, ਬਰਤਨ ਵੀ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਧੋਣੇ। ਅਗਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਧੁੱਪਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਤਸਵੀਰ, ਮੌਸਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਧੋਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਗਏ ਆ, ਹੋ ਗਏ 20 ਮਿੰਟ, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੁਛ ਦੇਰ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ ਅਸਲਮ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਖੈਰੀ, ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੈਰੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਭੇਜੀ ਆ, ਮਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਨੋਪੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ,
रिफियाज भी इस तरह के कह रहे थे टफ टाइल गुड्डे, लेकिन चौधरी साहब उन्होंने एक तस्वीर भेजी सी भी इस तरह ना बड़े प्यारे प्यारे से वो लगाओ सादा, सफाई करनी सौखी रहती है। इधर भाई पट्टियां का टाइम है, पट्ठे वट रहे हैं, भाजी का सारे बाजरा जोड़ा ना गिर गया वा। मैं जिया सीढ़ी वाले कमरे से गई इतने, फिर कल भाई नसरुला ने डाई सी, बारिश पई है ना तो थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा वा, लेकिन अगले दिन फर्श धोता से लेकिन मिट्टी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा फर्श आ। हूँ मैं थोड़ी देर करना आराम, आराम करके कपड़े धोने हैं, कपड़े धो के फिर देखती हूँ भी की करना तो की नहीं करना है। घा सारा हमसाए भाइयों ने वढ दिता वा, वढ़ के अपना जानवरों पा दिता होना और हम इतने हल चलाएंगे, और बाग भी मौसमी का टुट गया हुआ वा, तो नाले बाग भी साफ सुथरा हो जाएगा। वो तेल गिले हो गए वो लग्या वा, मतलब खड़े किए तेल, जानवर भाजी बन के गए आ, भाजी रिफत लगी हुई ले ले ने कुछ खिलान पिलान। तो इधरों भी एक तस्वीर भाई ने भेज देव, इधरों शायद नहीं बैक साइड नहीं देखनी, शायद फ्रंट ही देखनी सी। अच्छा जी, लाइट आने से रह गया 15 मिनट, लाइट आती है ना सो सो के मैं रीचा लाई, सो सो के मौसम जरा सैट हो गया वा, धुप निकली है, चार पैया धोतिया से भी खुश्क हो चलिया वा। ए वाले बर्तन जोड़े मैं जो ना अंदर रखा टोकरी के बिच पा लेती हूँ, कप भी और गिलास भी। उठी हूँ, उठ के ना मैं कपड़े पहले धोने, कपड़े धो के छेती छेती सारे काम नबेड़ लेने, थोड़ी जी मैं नींद पूरी कर ला तो फिर मैं सारे काम छेती छेती कर लेनी हूँ। टेबल भी खुश्क हो गया वा, बर्तन धोने वाला साबुन उत्ते प्याज चेता नहीं रखे, प्याज चकनी का यह भी जरा चुक लेना वा। पहले पर्दा थोड़ा साइड से कर लीए फिर नजर आएगा। हाँ जी, बर्तन रखने वाले रखिए जिते चेते रखने। सब तो पहले तो छुरी निकाली शामी सियान बाबू आया सी, दूसरे दिन शामी गया चम्मच में निकाले थे, लेकिन ब्लॉगियाँ भी नहीं रहे और चौदह साहब उन्होंने भी नहीं रहे, बस एक बार ना इस्तेमाल करके थोड़ा देख के चम्मच चावल नहीं खा के ना फिर उन्होंने स्टील लिया नहीं खाते चावल घट चढ़ते हैं। चलो जी हूँ ए वालियाँ कौलियाँ हो गई, ए वाली कौलियाँ तो छे है लेकिन ए वाली जड़िया वा ये दो कौलियाँ हो गई वाली टोकरी सेब पे नीचे रख रहे थे, टोकरी की जगह नहीं सी मफरल। और ये मैं जरा ना फिलहाल सेफ च रखा, जो जान गए फिर इन्होंने मैं निकाल दूंगी। ए वाले कपड़िया की तह लगा ली है और ए कंबल पर दूसरा सी इन्होंने एसी असी निकालना, फिर भी इन्होंने निकाल लिया। ए वाले जेडे मतलब हैंगर ये मैं हम करने है, कपड़े प्रेस लैट आ गया धो के, ये जेडे हैंगर इतने रखिए क्योंकि इतने बह के मैं कपड़े प्रेस करने हैं। इस जगह तो जरा इन खोलिए जोर इतने जरा ना कपड़े रख देने गर्म। ए वाले कपड़े धो लिया मैं इन्ने सारे, अगर मैं धो लेंदी बदल खराब हुए तो मौसम मतलब नहीं सी सैट तो फिर मैंने उतार के अंदर पौने पैने से भी बंदा इन्ने कपड़े कितने पावे है, बस मेरा जरा ना
काके की शर्ट इतनी सड़ गई है निगे की जैन बाबू की, मैं धो के तार से पाई कि सड़ ला दी निकी जी तार से पाई हुई। अल्लाह टाइम लैके आवे साढ़े ते, वैसे भी तारा के निके निके कपड़े पाइए। आमीन सुमामीन। और बाजी जितने जाती है कोई ना कोई शायद छटी जाती अम्मी जी उन्होंने भी और मेरे भी। चलो मैं क्या तू आंदे जाने दे दूँगी। हूँ मैं कढ़ाई आ जरा ना अंदर रखा। 12:30 बिजली आई है और 1 बज गया वा, तो मैं कपड़े धो के तार से पा लिया। हूँ मैं चाय का कप बनावा और चाय पीऊँगी नाल कपड़े प्रेस करूँगी और नाल मैं खा रही हूँ खीरा। अच्छा जी, खेस भी मैं बिछा लिया वा और इस्त्री भी, कपड़े भी ले आई हूँ। इस्त्री थोड़ी गर्म हो जाए और मेरा चाय का मग। सारे कपड़े प्रेस करके फिर जरा मैं छुट्टी करनी है, मुझे नहीं करनी। कपड़े धोए हैं, बर्तन रखे हैं, सारे काम कर लिए, बस यही मेरा एक काम रहता वा। बाकी फर्नीचर साफ किया वा, अगले दिन बिल्कुल साफ सुथरा घर और दूसरे रूम भी मेरे बिल्कुल साफ सुथरे आ। तो बस है कपड़े जोड़े ना, ये है सर्दियों वाले, इन्होंने जाना करके फिर मैं धोते थे तो मैं इसकी करके रख ला। इन्हें तो हम पता नहीं किस दिन प्रोग्राम बनता वा और मैं चलो प्रेस किए हो फिर जरा ना पा लेंगे नाल चाय की चुस्की और नाल जरा ना कपड़े प्रेस काम सारे होने चाहिए इकट्ठे। पहले जी इन्होंने पानी है ना, मतलब उस सेफ के रखने जी न्यू बनाई है वो कर दी है, जेडे हूँ मतलब इस मौसम च पानी आते हैं उस तो बाद फिर गर्म कर दी है। गर्म जेडे इधर ही सेफ दूसरी साइड से रख देने जिधर मैं दूसरे गर्म रखे आ हैंगर से लटका के, फिर हूँ धोते फिर बार बार ना धोते नहीं जाते और सुकते नहीं है फिर गर्म कपड़े। कहाँ सर्दी आ जानी टाइम ना कर ले। चलो बाकी सारी दाने पाने की गल आ, चौधरी साहब उन्होंने गल करके हटियाँ कह रहे हैं कि नंबर लगवा लिया वा, दूसरा नंबर से और डॉक्टर शायद 2 बजे बहेंगे, 1 तो ऊपर टाइम हो गया कि ना। तो चाय बना के मैं अंदर ले आई, मैं तो चाय वाले बर्तन बाद धोनी हाँ। अच्छा जी, शावर केस इस्त्री कुर्सी बाहर रखती हाँ, तो पानी वाले कपड़े मैं उस सेफ के रख ले और जेडे सर्दियों इतने रख ले, इस करके मैं हूँ सेफ के इधर रखा। अच्छा जी, वीडियो देने मैं इतने कर दी हाँ इस सड़ी आई की वीडियो। अगर साढ़े भैन भाइयों ने अच्छी लगी लाइक करियो शेयर करियो, सानू दियो इजाजत, रब सोने के हवाले, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।